वंदे मातरम। अब इसके पहले हमने दो अप्रोच देखे हैं, जैसे क्लासिकल्स के अप्रोच हैं, जैसे हम मोनेटरिस्टिक अप्रोच बोल रहे हैं, फिर देन किन्सियन के अप्रोच हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बेंट हैंसन एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन मॉडल, ठीक है, डायनामिक मॉडल है। जैसे इसके पहले जो हमने देखा है ना, वो क्या बता रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट रन फिनोमिना है, ठीक है, शॉर्ट रन में, चूंकि हमने आपको बताया है कि जो शॉर्ट रन में जो सप्लाई है ना वो नहीं बढ़ाई जा सकती, दैट्स वाई इन्फ्लेशन होता है। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ता है, वो इन्फ्लेशन होता है। प्राइस का बढ़ने एक तरीके से इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्होंने कहा कि केवल शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि जब साधन परिवर्तनीय होते हैं तो क्या होता है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं तो इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 1951 में इन्होंने दिया था, इसे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच, इसे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इन्होंने अपने किताब 1951 में अपनी किताब स्टडी ऑफ थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब इन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए दो मार्केट की चर्चा की है, कमोडिटी मार्केट जिसको हम गुड मार्केट कहते हैं, और दूसरा फैक्टर मार्केट अर्थात साधन बाजार। और इन्होंने एजम्पशन लिया है कि सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि केवल लेबर को लिया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही शॉर्ट रन में परिवर्तनशील है, पूंजी को भी हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, तो केवल एल को लिया है परिवर्तनीय साधन के रूप में। इनके अनुसार दोनों बाजार में जब इम्बैलेंस होता है तभी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। दोनों मार्केट में इम्बैलेंस को उन्होंने गैप कहा है, गैप का नाम दिया, एक होता है गुड्स गैप और एक होता है फैक्टर्स गैप, क्वान्टिटी इन्फ्लेशनरी गैप इसे बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं गैप के कारण क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। चलिए, यह दो गैप इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम कई बार हमने आपको बताया है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो कब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जब एक्सेस डिमांड होता है ना, तब जाके जो प्राइस बढ़ता है वही क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है इन्फ्लेशन। अब गुड्स गैप को इन्होंने डी माइनस क्यू एफ लिया है और फैक्टर गैप को एस माइनस क्यू एफ लिया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसकी भी चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी हमें देखना है, लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसको देखिए, डीपी अपॉन डीटी क्या है, मतलब कि प्रजेंट समय में चेंज इन प्राइस इन रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस इन रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वर्तमान समय में कितना प्राइस का चेंज हुआ वो बता रहा है। अब इट इज़ अ फंक्शन, अब एक इसका फंक्शन है डी माइनस क्यू एफ, वो क्यू एफ है या क्यू पी कई जगह लिखा होता है इसीलिए हमने लिखा है, तो क्यू एफ और क्यू पी में आप मतलब कि जो लिख सकते हैं वो लिखिए, लेकिन क्यू एफ अस्पष्ट होगा, ठीक है। तो डी पी अपान डी टी अर्थात कितना परिवर्तन हुआ है वर्तमान के प्राइस पर निर्भर करता है डी माइनस क्यू पी, क्यू एफ या क्यू पी पे, तो वर्तमान समय में कितना आप एक्सेस लेवल पे डिमांड है, ये क्या है बता रहा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्वांटिटी बता रहा है, तो उससे ऊपर अगर डिमांड होगा अर्थात इसका डी माइनस इस क्यू एफ का मान अगर पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब एक्सेस डिमांड है, और वही प्राइस क्या करे, वही प्राइस को बढ़ाएगा जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और दूसरा जो है वो है डी डब्ल्यू टी, डी डब्ल्यू डी टी, और फिर इस फंक्शन आप एस माइनस क्यू एफ, इसे हम क्यू पी लिखे हैं लेकिन क्यू एफ है, क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर आप उससे अगर सप्लाई अगर एक्सेस हो गया मतलब प्लस होगा ना, तो ये क्या करेगा, वेज को क्रिएट करेगा, दैट्स वाई जब वेज क्रिएट होगा तो फिर प्राइस भी बढ़ेगा, दैट्स तो क्या होगा, उससे भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, वेज से भी इन्फ्लेशन होगा और उससे मतलब कि डी पी अपन डी टी से भी जब परिवर्तन होगा तो उससे भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। देन पी तथा पी एंड डब्ल्यू दोनों का चेंज देखना है हमें, जब दोनों का चेंज अगर हम देखेंगे ना हमें पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। चलिए, अब प्राइस इस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सर, प्राइस वेज रेशियो, प्राइस वेज रेशियो, अभी शायद हमने पहले एक सेकेंड आप इसको समझ लें, हमने आपको उम्मीद है कि बढ़िया लगा होगा आपको, ये जो आपने बताया ना कि जो प्राइस है प्राइस में चेंज होगा वो कितना डी माइनस क्यू एफ, तो ये क्या है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड था यहाँ पे प्राइस था, तो एक्स ए मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसे हम क्यू एफ बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम वाई एफ बोलते थे उसी को हम क्यू एफ बोलेंगे, तो अगर मान लीजिए हम एक्सेस डिमांड यहाँ पे हो गया ना एक्सेस डिमांड, तो यही प्राइस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सेस डिमांड जिसे हम डी बोल रहे हैं, इसमें से डी में से हम क्यू एफ को घटा देंगे मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे,
और ये प्लस में आएगा ना तो इन्फ्लेशन होगा अर्थात प्राइस बढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए उम्मीद है कि बढ़िया, एक बार और देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल स्तर है वो उससे अधिक अगर डिमांड होता है तो वही प्राइस बढ़ाता है अर्थात इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, बस वही इसका मतलब वही है। और आप समझ में, ये आप समझें कि ये क्या है, एस माइनस क्यू एफ क्या है। तो एस माइनस जो क्यू पी है ना, इसे हम क्यू एफ लिखेंगे, ठीक है, और क्यू पी भी लिख सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोडक्शन कितना है, उत्पाद कितना है या रियल इनकम कितना है, ठीक है। तो एस माइनस क्यों लिखा है, एस माइनस इसलिए लिखा है कि जो सब कमोडिटी मार्केट की जो सप्लाई लाइन होती है, कमोडिटी मार्केट की जो सप्लाई लाइन है वही फैक्टर मार्केट की डिमांड लाइन है। इसीलिए हम कमोडिटी मार्केट के लिए तो सप्लाई साइड लिख रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है, डिमांड साइड है फैक्टर मार्केट, क्योंकि दोनों मार्केट जिम्मेदार हैं इन्फ्लेशन के। तो इसीलिए हम इसके लिए एक कमोडिटी मार्केट का है और ये फैक्टर मार्केट के लिए हम एस लिखते हैं। एस क्या है, ये डिमांड, ये सप्लाई है कमोडिटी मार्केट की लेकिन डिमांड है फैक्टर मार्केट की, दैट इज एस माइनस क्यू। चलिए अभी हम इसको और डिटेल में समझाएंगे कैसे है। तो अब इन्होंने लिखा है प्राइस वेज रेशियो, अभी किस प्रकार से वो था अभी हम बता रहे हैं आपको। प्राइस वेज रेशियो और रेशियो अर्थात पी और डब्ल्यू में इन्होंने बताया, पी डब्ल्यू की वजह से इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि दोनों मार्केट को ले ले रहा है ना, एक प्राइस और वेज अर्थात दोनों मार्केट शामिल है, तो इसी रेशियो के बढ़ने घटने से इन्फ्लेशन बढ़ता घटता, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए ना कि डिमांड डी माइनस क्यू पी इज़ ग्रेटर देन एस माइनस क्यू पी, ठीक है, जब इसमें अर्थात जो डिमांड अधिक है, किसका डिमांड अधिक है, मतलब कमोडिटी मार्केट में अगर डिमांड अधिक है या इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट में अगर मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, और जो यहाँ पे जो सप्लाई अर्थात जो फैक्टर मार्केट है ना उसमें क्या है, फैक्टर मार्केट में का जो यहाँ पे आप दे रहे हैं ना यस, ये क्या है फैक्टर मार्केट की ये यस जो है डिमांड है, लेकिन ये सप्लाई है किसका, कमोडिटी मार्केट का, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब मान लीजिए ये यस, यस क्या है, डिमांड है, तो बढ़ तो दोनों रहा है, दोनों गैप अगर दोनों के बीच में गैप है ना, डी माइनस डी में से अगर हम क्यू पी घटाएंगे तो इसका गैप निकल जाएगा, एक्सेस डिमांड घट निकल जाएगा, और फिर जब इसको निकालेंगे ना, मतलब कि एस माइनस क्यू पी निकालेंगे तो इसका डिमांड घट जाएगा, मतलब कि इसका डिमांड निकल जाएगा। तो इसको डिमांड को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसके गैप को हम पी लिख सकते हैं और इसके गैप को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ेगा और साथ साथ में ए भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों में गैप है, इसका मतलब दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये वाला अर्थात गुड्स गैप अगर ज़्यादा हो ना, अर्थात प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो उस स्थिति में पी अप और डब्ल्यू का जो रेशियो होगा वो बढ़ेगा, अर्थात इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वही होगा कि अगर इन दोनों के बीच का रेशियो अगर सीधे उल्टा हो जाए, अर्थात वेज बढ़ रहा है और प्राइस मतलब घट रहा है, तो ये पी डब्ल्यू का रेशियो कम होगा, अर्थात इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, बस यही है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी एक सीमा है, एक अपर एंड लोअर लिमिट है, कि मतलब कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा, उसकी एक अपर और लोअर लिमिट है, उससे ज़्यादा वो मतलब कि न बढ़ सकता है न घट सकता, अपर रेंज और लोअर रेंज, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और है यहाँ पे देखेंगे कि डिमांड इज़ फंक्शन, तो डिमांड इज़ फंक्शन ऑफ पी अपन डब्ल्यू और एस इज आल्सो फंक्शन ऑफ पी अपन डब्ल्यू। आप जानते हैं कि जो इसका डिमांड है कमोडिटी साइड का वो क्या है, वो डिमांड है कमोडिटी साइज का, लेकिन जो उसकी सप्लाई साइड है कमोडिटी की वो क्या है, वो डिमांड है लेबर मतलब फैक्टर मार्केट का या लेबर मार्केट, चूंकि एक ही साधन लिया है इन्होंने। तो जो पी डब्ल्यू से पी अपन डब्ल्यू से कैसा संबंध है इसका, नेगेटिव, डी से संबंध है नेगेटिव डिमांड से, ठीक है, और इससे कैसा संबंध है, एस से पॉजिटिव संबंध है। तो हम इसको देख ले रहे हैं कैसे है, चलिए एक सेकेंड हम दिखा रहे हैं, ये है रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम वन अपान पी अपन डब्ल्यू ले रहे हैं, पी अपन डब्ल्यू का मतलब पता है क्या, पी अपन डब्ल्यू का मतलब ये है कि प्राइस से तो इसका रिलेशन सीधा है, लेकिन डब्ल्यू से इसका रिलेशन उल्टा है, अब ठीक है। वन अपान डब्ल्यू का मतलब क्या है, यह डब्ल्यू का विपरीत है, अर्थात डब्ल्यू बढ़ेगा तो वन अपान डब्ल्यू कम होगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे हम ले रहे हैं, इसको हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अर्थात अगर मान लीजिए एक गुड्स मार्केट की डिमांड है, ध्यान से देखिएगा, गुड्स मार्केट की डिमांड है,
और जो गुड्स मार्केट की डिमांड है तो प्राइस से इसका सीधा संबंध है, तो जो इस प्रकार से बनेगा, मतलब ऐसे प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन ये वन अपान वेज का क्या होगा, वन अपान वेज का डिमांड क्या होगा, वेज वन अपान वेज का जो होगा स्थिति वो क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि वेज बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है, क्यों, लेकिन डिमांड कम होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना डीएल, एक सेकेंड हम बता रहे हैं आपको इसको, एक बार हम ऐसे कि रुकिए एक बार बढ़िया से क्लियर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है एक सेकेंड, चलिए इसको और साफ एकदम बढ़िया। देखिए हमने आपको बताया है कि ये वाला मान लीजिए ना कि पी अपन डब्लू, एक पहले हम केवल एक ही मार्केट से समझा दे रहे हैं, ये है डी मान लीजिए डिमांड ऑफ लेबर है और ए है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होइएगा, सब देखिएगा, यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई ले रहे हैं, सप्लाई लिख दे रहे हैं लेबर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम वन अपान डब्लू लिखेंगे, वन अपान डब्लू, पी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि और डिस्टर्बेंस होगा। अब इतना समझ लीजिए ना, इतना समझ लीजिए साफ साफ, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वन अपान डब्लू डब्लू रहता है यहाँ पे सीधे लिखते हैं, लेकिन वन अपान डब्लू है तो उल्टा हमें लिखना पड़ेगा। वन अपान डब्लू है तो हमें पता है क्या लिखना पड़ेगा, हमें उल्टा मतलब डिमांड अलग लिखना पड़ेगा और सप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिमांड फॉर लेबर और यहाँ पे लिख लेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेज बढ़ेगा ना तो वन अपान डब्लू कम होगा, और वन अपान डब्लू अगर बढ़ेगा तो वेज कम होगा, तो सप्लाई साइड इसीलिए इस प्रकार से है। तो अगर मान लीजिए डब्लू बढ़ रहा है, डब्लू बढ़ रहा है मतलब वन अपान डब्लू कम हो रहा है, और डब्लू अगर मान लीजिए एग्जांपल कि अगर डब्लू कम हो रहा है ना तो वन अपान डब्लू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस तरीके से है। तो इसीलिए जो सप्लाई साइड है इसकी वो इस प्रकार से है, सप्लाई साइड, क्यों, अमूमन तो सप्लाई साइड सीधा होती है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए ना, आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा दें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम W ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हम डिमांड, तब हम डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर इस प्रकार से लेंगे कि W अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन जब W बढ़ रहा है सप्लाई तो बढ़ रहा है, लेकिन जब वन अपान W बढ़ रहा है ना तो सप्लाई घट रहा है, समझ रहे हैं ना, कि जब W बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, तो ए वाली रेखा है सप्लाई साइड की जब W है, लेकिन जब वन अपान W है तो सीधे उल्टा होगा, कि जब वन अपान डब्लू बढ़ रहा है इसका वन अपान डब्लू बढ़ रहा है मतलब वेज घट रहा है, जब वेज घट रहा है ना तो सप्लाई कम होगी, वेज घट रहा है तो सप्लाई कम होगी, तो इसीलिए डिमांड ऑफ लेबर इस प्रकार से है और सप्लाई ऑफ लेबर इस प्रकार से। अगर वन अपान डब्लू बढ़ रहा है इसका मतलब वेज कम हो रहा है, जब वेज कम हो रहा है तो इसकी डिमांड क्या होगी, वेज लेबर की बढ़ेगी, और अगर वन अपान डब्लू अगर बढ़ रहा है मतलब डब्लू कम हो रहा है, जब डब्लू कम हो रहा है, अगर मान लीजिए वन अपान डब्लू बढ़ रहा है इसका मतलब डब्लू कम हो रहा है, जब डब्लू कम हो रहा है तो इसकी मतलब कि सीधे रिलेशन होगी कि ये कम होगा, मतलब कि सप्लाई ऑफ लेबर कम होगा, और जब वन अपान डब्लू कम होगा इसका मतलब डब्लू बढ़ रहा है, जब डब्लू बढ़ रहा है तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगा। और आप एक चीज़ और जानते हैं कि इसमें मतलब कि वन अपान डब्लू में और जो गुड्स मार्केट है उसमें सीधा संबंध है, क्यों, क्योंकि गुड्स मार्केट के लिए पी है, और जब पी है तो पी में और डिमांड ऑफ कमोडिटी में, वस्तु के डिमांड में वस्तु के सप्लाई में सीधा संबंध होता है, तो ये जो डिमांड ऑफ लेबर है ना वो सप्लाई ऑफ वस्तु के लिए हो जाएगी, और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिमांड किसके लिए हो जाएगी, वस्तु के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही उल्टा है एकदम सीधे, इसी को हम उल्टा हम समझा सकते हैं कमोडिटी मार्केट के द्वारा, इसीलिए हमने कहा है कि जो कमोडिटी मार्केट की जो डिमांड है ना वो सप्लाई होगी किसकी, लेबर मार्केट की, इस फिगर से। क्योंकि अगर पी होता, चूँकि अगर पी होता और डब्लू होता तो दोनों का एक ही होता कि मतलब जो इसका डिमांड होता उसका सप्लाई होता, लेकिन एक क्या है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे डब्लू है, इस स्थिति में जो कमोडिटी मार्केट की डिमांड होगी ना और डब्लू की मतलब कि जो फैक्टर मार्केट की सप्लाई होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है कि डी से इसका प्राइस का रिलेशन नेगेटिव है और यस से प्राइस का रिलेशन वन अपन डब्लू का रिलेशन यस का पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव किसके लिए, कमोडिटी के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए, लेकिन नेगेटिव किसके लिए होगा, ये फैक्टर मार्केट के लिए, लेकिन हमने यस लिखा है इसीलिए हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो डिमांड साइड ऑफ गुड्स क्या होगा, डिमांड साइड ऑफ
रियल मार्केट होगा, और लेकिन सप्लाई साइड ऑफ गुड्स क्या होगा, ये डिमांड साइड ऑफ फैक्टर मार्केट। चलिए एजम्पशंस हैं, बहुत एजम्पशंस बहुत जरूरी है पढ़ना, तो आप पढ़ लीजिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार, टेक्नोलॉजी एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉन्स्टेंट, तकनीकी और पूंजी का जो मात्रा उतरा है सब कॉन्स्टेंट है, एक ही उत्पाद को उत्पादित किया जा रहा है, परिवर्तन ये साधन केवल लेबर है, कीमत और मजदूरी में पूर्व की स्थिति प्राप्त होने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि संतुलन की प्रवृत्ति होती है, और फिर दोनों बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। ठीक है, चलिए अब सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करा दिया है, अब आपको सीधे केवल देखना है ये वाला फिगर। अब ये वाला फिगर कैसे बनेगा, चलिए हम दिखा दे रहे हैं, एक सेकंड हम समझा देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है तो पहले हम समझा देना है, देन हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ये कैसे होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए क्यू या वाई, रियल इनकम या क्यू के रूप में उसे लिख दीजिए, और यहाँ पे पी अपन डब्ल्यू ले लीजिए। ठीक है, पी अपन डब्ल्यू इसी से हम दिखाएंगे। अब ए है क्यू एफ, क्यू एफ का मतलब होता है कि सप्लाई साइड स्थिर है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है, जो क्यू एफ है ना वो बता रहे कि उत्पादन फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है, मतलब कि पूर्ण रोजगार की मान्यता हमने लिया है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति था, शॉर्ट रन में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, अब हम यहाँ पे डिमांड साइड, ठीक है, डिमांड साइड किसका, कमोडिटी मार्केट का, और ये सप्लाई साइड, ये किसका, कमोडिटी मार्केट की सप्लाई साइड है, और कमोडिटी मार्केट की डिमांड साइड है, और हम सब जो फैक्टर लेकिन अगर फैक्टर मार्केट की बात करें तो क्या है, वो कमोडिटी मार्केट की जो सप्लाई साइड है वही फैक्टर मार्केट की डिमांड साइड है। ये कन्फर्म हो गया। अब एक रेखा हम यहाँ से जो यहाँ पे वन, यहाँ से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और एक रेखा सबसे नीचे, ये दोनों अपर और लोअर लिमिट हो जाएगा, इसे हम पी डब्ल्यू का 4 लिखेंगे, इसे हम पी डब्ल्यू का 1 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है समझाने में दिक्कत। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, और फिर एक और रेखा आप खींच सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो 4 रेखा आपको ऐसे खींचनी जैसे हमने यहाँ पे खींचा है। ठीक है, अब फिर अब कैसे बनाना था हमने बता दिया, बस ऐसे ही बनाना था। ठीक है, इस प्रकार से ताकि आसानी से आपका बन जाए। ठीक है, चलिए अब हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, बन जाएगा आपसे। चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए ना कि क्यू एफ की स्थिति है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि सप्लाई शॉर्ट रन में नहीं बढ़ाई जा सकती है, डिमांड है ये सप्लाई है, और फिर एक लाइन ऊपर है पी के और एक लाइन नीचे है क्यू फोर, जैसे हम पी डब्ल्यू क्यू फोर, पी डब्ल्यू फोर है इसे पी डब्ल्यू वन, फिर एक दूसरा लाइन को पी डब्ल्यू टू, पी डब्ल्यू थ्री तीसरे वाले लाइन। अब यहाँ पे जो ए है डब ए एफ के एच टी ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम नहीं बता, इसे आप लिख लीजिएगा जितना भी संकेत दिए हैं डब्ल्यू जे एफ ई एम, ये सब समझाने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ना किसी वजह से इसमें परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया, अब क्या होगा बीच में, जैसे मान लीजिए कहीं परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, देखिए ये है गुड्स गैप SL और DL क्या है, जो SL है ना उसे हम गुड्स गैप, और फिर DL फैक्टर गैप को बता रहे हैं, डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर। एक सेकेंड, सॉरी ये जो आप जैसे हम बता रहे हैं, ये जो डिमांड है ना DD लाइन, ये डिमांड ऑफ दिखा रहा है ये DD, एक सेकेंड, अब चूंकि हम जानते हैं कि मतलब कि गुड्स गैप और फैक्टर गैप के कारण ही इन्फ्लेशन होता है, तो व्हाट इज़ गुड्स गैप, ये है डिमांड लाइन, एक डिमांड लाइन किसका है कमोडिटी मार्केट का है, सप्लाई लाइन है, और सप्लाई लाइन किसका कमोडिटी मार्केट का। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो थ्योरी क्या है कि फैक्टर मार्केट मतलब कि क्यू एफ और डी डी लाइन के बीच का जो भी मतलब कि गैप होगा, हॉरिजॉन्टल गैप, क्यू एफ और डी डी रेखा, ये वाला डी डी रेखा जो है डी डी रेखा, इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल गैप होगा ये वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हम प्राइस को बढ़ना अर्थात गुड्स गैप बोलेंगे, प्राइस का बढ़ना है गुड्स गैप। और अगर मान लीजिए कि क्यू एफ और एस एस मतलब कि क्यू एफ रेखा और एस एस रेखा उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल गैप होगा उसको हम फैक्टर गैप बोलेंगे, या वेज में बढ़ोतरी या वेज में परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब किस प्रकार से अपने आप संतुलन में होगा उस स्थिति को हम देखेंगे। ई मान लीजिए संतुलन में है, ई मान लीजिए संतुलन में,
और ई पे हम अस्थायी संतुलन बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा संतुलन है कि इस पे विचरण की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई संतुलन है ना, तो वहाँ पे फुल मतलब कि फुल इम्प्लॉयमेंट वहाँ पे, उसके अलावा कोई संतुलन तो मतलब फुल इम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे विचलन की स्थिति है, जिसे हम क्वाजाई इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आप उसे समझिएगा। अब अगर मान लीजिए हम इस स्थिति पे हैं पी डब्ल्यू वन पे, तो पी डब्ल्यू वन में हॉरिजॉन्टल जो फैक्टर जो डिमांड आप देख रहे हैं ना, कि आप क्यू एफ और डी डी लाइन के बीच का गुड्स गैप बता रहे हैं, तो जब इस स्थिति में होगा तो ए पर मतलब कि जो गुड्स गैप होगा ना वो जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, गुड्स गैप जीरो होगा, लेकिन फैक्टर गैप कितना होगा यहीं पे सप्लाई साइड, कितना ए और टी है, ए और टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी डब्ल्यू पी पी बराबर तो जीरो हो गया, लेकिन डब्ल्यू बराबर कितना है ए और टी। अब जानते हैं कि जब प्राइस का रेशियो पी मतलब कि जब पी डब्ल्यू का रेशियो मतलब कि जब डब्ल्यू ज़्यादा होता है ना, तो पी डब्ल्यू की रेशियो क्या होता है, कम होता है। जब ये कम होगा ना, हो सकता है कम होते होते ये दूसरे पे आ जाए, ये कहीं पे जा सकता है, हो सकता है सीधे संतुलन में आ जाए, हो सकता है सीधे पी डब्ल्यू फोर पे आ जाए। अगर मान लीजिए पी डब्ल्यू से ये मतलब पी डब्ल्यू स्थिति में क्या होगा, ये संतुलन में तो होगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू जो पी जो जो फैक्टर गैप है ना वो ज़्यादा है। जब फैक्टर गैप होगा तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, पी अपन डब्ल्यू को क्या करेगा, पुश करेगा। अब पी डब्ल्यू को जब पुश करेगा तो वो और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे, मान लीजिए पी डब्ल्यू टू पे आ गए। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को समझिएगा। मान लीजिए पी डब्ल्यू टू पे आ गए, पी डब्ल्यू टू पे फिगर में देखिएगा, तो अगर यहाँ पे गुड्स गैप कितना है, क्यू एफ और डिमांड लाइन का हॉरिजॉन्टल गैप, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज गैप, तो क्षैतिज दूरी, तो ए है एफ और के, एफ और के, ठीक है, एफ और के, ये क्या है गुड्स गैप। और जो फैक्टर गैप है वो कितना है, फैक्टर गैप है एफ और टी, एफ और एच, एफ और एच फैक्टर गैप। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब अभी भी क्या है, अभी भी जो फैक्टर गैप है वो ज़्यादा है गुड्स गैप। जब फैक्टर गैप ज़्यादा होता है गुड्स गैप, तो क्या करता है, वो पी अपन डब्ल्यू के रेशियो को कम करता है। जब पी डब्ल्यू के रेशियो को और कम करेगा, हो सकता है कि ई बिंदु पर आ जाए, जब ई बिंदु पर आ जाएगा तो संतुलन हो जाएगा, तब विचरण की प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पी अपन डब्ल्यू थ्री पे आ जाए तो क्या होगा, ये अपन डब्ल्यू थ्री में तो हॉरिजॉन्टल गैप आप देखेंगे क्यू एफ और डी डी रेखा के बीच, तो क्यू एफ डी डी रेखा के बीच क्या है स्थिति है, जो डिमांड मतलब कि जो गुड्स गैप है ना, गुड्स गैप ये क्या करेगा, गुड्स गैप में ये है जे और यहाँ पे मान लेते हैं डी रेखा है ये वाला, तो जे और डी है। और फिर अगर हम फैक्टर गैप का बोलें तो ये कितना है, जे और यम, तो जे यम क्या है, फैक्टर गैप है। तो जब जे यम फैक्टर गैप है और जे डी गुड्स गैप है, इसका मतलब क्या है कि जो पी अपन इसका मतलब गुड्स गैप ज़्यादा है। जब गुड्स गैप ज़्यादा होगा तो पी अपन डब्ल्यू के जो रेशियो उसको बढ़ाएगा, और जानते हैं जब रेशियो बढ़ेगा तो ये कहीं ऊपर आएगा, जब कहीं ऊपर आएगा तो इसका मतलब क्या है, जब इसका कहीं ऊपर आएगा तो हो सकता है फिर पी डब्ल्यू पे चला जाए, या पी डब्ल्यू पे नहीं तो हो सकता है फिर ई बिंदु पे इक्विलिब्रियम में हो जाए। अर्थात एक किसी भी तरीके से ये स्थिर नहीं रहेंगे, एक कैसे मतलब कुछ भी करके क्या करेंगे, संतुलन पे आपको लेके ही आएंगे। तो फिर यहाँ से अगर मान लीजिए अगर पी डब्ल्यू थ्री पे देख लीजिए, आप ही देख लीजिए कि जो डिमांड जो गुड्स गैप है ना, अर्थात डी डी रेखा और एफ और क्यू एफ रेखा के बीच का गैप हॉरिजॉन्टल गैप ये वाला, तो ये कितना है, जे होगा और डी होगा, जे और डी। और अगर सब मतलब कि फैक्टर गैप देखेंगे तो क्यू एफ रेखा और एस एस रेखा के बीच का गैप, तो क्यू एफ रेखा और एस एस गैप का कितना है, जे और एम। और आप जानते हैं कि जे डी और जे एम में कौन बड़ा है, जे एम जे डी बड़ा है। जब जे डी बड़ा है तो जे डी क्या दिखा रहा है, प्राइस को दिखा रहा है, प्राइस के बढ़ने की स्थिति को दिखा रहा है, अर्थात गुड्स गैप को दिखा रहा है। और जो जे और एम रेखा बता रहा है वो क्या, डब्ल्यू में बढ़ने की प्रवृत्ति को बता रहा है। लेकिन जो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू। जब प्राइस ज़्यादा बढ़ता है ना, अर्थात पी डब्ल्यू पी अपन डब्ल्यू की रेशियो जब ज़्यादा बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, वो इस स्थिति को ऊपर लेके जाएगा, पी अपन डब्ल्यू के रेशियो को ऊपर ले जाएगा, तो हो सकता है ई पे आके संतुलन में हो जाए, ठीक है, ई पे आके संतुलन में। अगर ऊपर जाएगा ना तो फिर डब्ल्यू ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, मतलब कैसे भी जाके उसे संतुलन करना है। और जब फिर जब ई बिंदु पे संतुलन में आ जाएगा, ई बिंदु पे संतुलन में आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों का गैप जीरो हो जाएगा, पी अपन डब्ल्यू का जो रेशियो है वो हो जाएगा और वहाँ पे संतुलन हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है। जब संतुलन हो जाएगा तब तब इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन जब ई बिंदु से जब डिस्टर्ब होगा कहीं दोनों में इम्बैलेंस होगा पी अपन डब्ल्यू में, अर्थात फैक्टर गैप और गुड्स गैप में, जब फैक्टर और गुड्स में जब गैप उत्पन्न होगा तब जाके इन्फ्लेशन होगा। इट इज़ गिवन बाई बेंट हैंस, यही बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक सर्टेन एरिया दिया है दैट इज़ पी डब्ल्यू वन और पी डब्ल्यू फोर, इसी के बीच में आप क्या बोल सकते हैं, इसी के बीच में आप मतलब बढ़ घट सकते हैं, उसके अलावा ना उससे ज़्यादा ना आपका फैक्टर गैप होगा ना उससे ज़्यादा आपका गुड्स गैप होगा। तो इसका एक रेंज है, ये है अपर लिमिट और ये है पी डब्ल्यू फोर क्या है लोअर लिमिट, इसी के बीच में रेंज में संतुलन होगा, इन्फ्लेशन होगा। और जहाँ पे डी और एस अर्थात जहाँ पे फैक्टर और जो गुड्स गैप है जब जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे संतुलन में हो जाएगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा, लेकिन वहाँ से हटने के बाद ही इन्फ्लेशन होगा, लेकिन स्वतः वो अपने आप में अपने आप को सही कर लेगा, इन्फ्लेशन को कम कर लेगा, ठीक है लॉन्ग रन में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब जितना हमने बोला है ना, इतना छोटा सा वही सब लिखा है। अब लिखने में आप जानते हैं ना कि बहुत एक एक चीज़ को लिखना पड़ता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लें, अब बकायदे पढ़ लीजिएगा। बेंट हैंसन थियोरी एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन मॉडल को अभी लेना शुरू करिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है सर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, फिगर समझना जरूरी है, फिगर समझ गए तो सब आपके हाथ में, ठीक है कि क्यों ऐसे है। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कास्ट फूड्स इन्फ्लेशन। अभी ये सब डिमांड साइड से था, डिमांड साइड से साला इन्फ्लेशन था, लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कास्ट फूड्स इन्फ्लेशन, जिसे हम पीगू इफेक्ट जिसमें आता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।